नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान का आज जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव जबलपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में हनुमान ताल बड़े जैन मंदिर में विराजमान विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री आदिनाथ भगवान का आज हजारों लोगों ने अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान का प्रथम अभिषेक मुन्नालाल प्रबल प्रमेय, आदित्य शौर्य, कोमल चंद कुमार, राजेंद्र कुमार ने पडरिया एवं शांति धारा करने का सौभाग्य राजा रोहित, राजा भाई कलेक्शन, सीए सौरभ, निर्मल कुमार, शुभम शोभित कांच वाला परिवार ने प्राप्त किया। जबलपुर नगर के इष्ट देव 12 महीने 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आशीर्वाद आपको आज यहाँ शासन हनुमान क्षेत्र में और हजारों लोगों ने आज अभिषेक का आनंद लिया। मेरी आवाज के आज जो महावस्ती का अभिषेक हुआ है, इसके उपलक्ष्य में आज जबलपुर शहर के हजारों लोगों ने जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया है। आज शासनों असर क्षेत्र के इस पावन धरा पर आज हमारे बीच में विवेक भाई उपस्थित है। विवेक भाई, आज जो जन्मोत्सव मनाया गया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे शासन इस शासनकाल के प्रथम तीर्थंकर देवानी देव सब देव आदिनाथ भगवान हमारे आराध्य नगर के इष्टदेव आप देख रहे हैं। यहाँ विराजमान है विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा, जिन्होंने 70 में तलक्षा पुष्पारंग के संस्थापक युग प्रवर्तक असीम असी के ऋषि का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु महेश, इसमें सारे समाहित हैं। भरत बाहुबली पराक्रमी भारत तपस्वी के परम पिता हमारे आराध्य श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है, जिसे हम प्रति वर्ष बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज आदिनाथ पूजन मंडल की तरफ से यहाँ देख रहे हैं हमारे बीच कर्मचारी रविंद्र भैया जी द्वारा निरंतर शांति धारा कराई गई। हजारों की तादाद में आपने देखा, 100-150 से अभिषेक हुआ, हजारों की तादाद में लोगों ने अभिषेक किया। यहाँ पर कम से कम 2000 अतिथियों की सरकार की व्यवस्था भी हम लोगों के द्वारा की गई है। हमारी ट्रस्ट कमेटी, सांसदीय ट्रस्ट कमेटी, हमारे कर्मचारी रवि भैया जी द्वारा निरंतर यहाँ पुण्याजन किया जाता है। आज हमारे पूजन मंडल के सभी सदस्य यहाँ पर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, और आज हम आदिनाथ भगवान का जन्म तप कारण बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। गुरुवर मुनि पुंग सदासागर महाराज श्री के आशीर्वाद से निरंतर 12 वर्षों से यहाँ आदिनाथ भगवान आप देख रहे हैं। श्री प्राचीन प्रतिमा जो निरंतर जगत में विश्वविख्यात हो गई है, आज उनका अभिषेक और शांति आरा हम सभी ने की है, और इसी के साथ सब परिवार का जन्म का प्रारंभ मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि भगवान की जय। हनुमान ताल जैन बड़ा मंदिर सातनू का तीर्थ क्षेत्र में विराजमान नगर देवता हमारे श्री 1008 आदिनाथ भगवान विराजमान जो प्रतिमा पुरातत्व के विभाग के हिसाब से चतुर्थकालीन प्रतिमा है। इस प्रतिमा का अभिषेक हजारों हजार लोग और नित्य प्रति पूजन पाठ भक्तांबर मंडल के द्वारा भक्तांबर मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन होना यह विगत 12 वर्षों से चला आ रहा है, और इस प्रतिमा के बारे में जो आश्चर्य और चमत्कार सारी जैन समाज बल्कि सारा नगर सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, और जबलपुर जैन पंचायत सभा एवं शासनोदा की कैलाश जैन की ओर से मैं आदिनाथ जयंती की ओर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की खुशी में समस्त नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक बधाई देता हूं कि भगवान का जन्म कल्याणक इसी तरीके से विशाल रूप रैली के साथ अब मनाते चले, और अगले वर्ष इसका भी और बड़ा रूप होने जा रहा है, जो कि शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र से ही इसका शुभारंभ होगा। आदिनाथ जयंती को महावीर जयंती के रूप में ही मनाया जाएगा। जय जिनेंद्र। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।